तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। हजारीबाग जिले के 16 प्रखंडों में 28 घाट चिन्हित, 16 अक्टूबर से बिकेगा बालू। तो चलिए, इसको लेकर भी वैसे भी बहुत झगड़ा झाटी चल रहा था, तो उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने कुछ तो समाधान किया है। 5 वर्ष बाद हजारीबाग जिले में 28 बालू घाट को चिन्हित किया गया है। कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। 16 अक्टूबर 2023 से सभी घाट से आम लोगों को आसानी से बालू मिलेगा। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी नदी एवं जल स्रोतों से बालू के उत्खनन एवं उठाव पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि बड़का गांव में सबसे अधिक 16 घाट हैं, बरही में 10 और सबसे कम बरकठा में 2 बालू घाट हैं। सभी 28 बालू घाट को 11 क्लस्टर में बांटा गया है। मसलन 500 मीटर की दूरी के सभी घाट को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि ये है बालू घाट। बड़का गांव प्रखंड में बड़का गांव रिवर से बालू निकालने के लिए लगांतु, सिकरी, पंडरिया एवं सिरमा को घाट बनाया गया है। इसी प्रखंड में बदमाही रिवर से बालू निकालने के लिए बादम, रतपुरा, धम्बाडी, कुतुलिया, गौसासाई बलिया, हरली व चौबदार बलिया को घाट बनाया गया है। बड़का गांव के बोकारो रिवर से बालू निकालने के लिए पडरिया, सिरमा, कांडतरी, साण व सोनपुरा को घाट बनाया गया है। बरही प्रखंड में बराकर रिवर से बालू निकालने के लिए बेला, बेराबाद व बैरीसल को घाट बनाया गया है। बरकट्टा प्रखंड के बरसोती रिवर बालू निकालने के लिए मासी पीढ़ी व बेल कप्पी को बालू घाट बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं किस किस घाट को चिन्हित किया गया है। तो 28 घाटों को किया गया है चिन्हित। जिला सर्वे रिपोर्ट में हजारीबाग के 195 बालू घाट का रिपोर्ट स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी को भेजी गई थी। इसमें 28 बालू घाट चिन्हित किया गया है। स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी में वन प्रमंडल अधिकारी पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग, वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी वन प्रमंडल हजारीबाग, वन प्रमंडल पदाधिकारी वन प्रणाली वन प्राणी प्रमंडल हजारीबाग, अपर समाहर्ता असैनिक शल्य चिकित्सक अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी बरही, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, जिला कृषि पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, सहायक निदेशक भूतत्व, जिला भूतात्विक कार्यालय एवं जिला खनन पदाधिकारी शामिल है इन सभी कामों को करवाने में। 2019 के बाद बंद था बालू घाट। खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि 2019 के बाद बालू घाट बंद था। जिला सर्वे रिपोर्ट में 195 बालू घाट की रिपोर्ट स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी को भेजी गई थी। इनमें सबसे मानक को पूरा करने वाले 28 बालू घाट को चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट जिला को प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही JSMDC की ओर से रजिस्टर्ड DMO को बालू उत्खनन कर स्टोरेज करने के लिए काम मिलेगा। JSMDC के माध्यम से DMO का चयन होगा। अभी बालू उत्खनन एवं उठाव पर NGT की रोक है। 16 अक्टूबर 2023 से सभी घाटों पर बालू मिलेगा। सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य पर आसानी से बालू लोग खरीद सकेंगे। घाट से बालू ले जाने का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उपभोक्ता को खुद उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये खबर निकल कर आ रही है। अब देखते हैं कि ये जो नया नियम बनाया गया है या फिर इस तरीके से चीजों को सिस्टम में लाया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा और आम जनता के लिए कितनी बड़ी राहत की बात होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जोहार।